हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा 2000s में रिलीज हुई सीरीज फ्रैंक हार्बर्ट्स ड्यून के सेकंड एपिसोड की, जो कि ड्यून के नॉवल पर बने हुए एक जबरदस्त सीरीज है। और इस सीरीज को अच्छे से समझने के लिए आपको एपिसोड 1 का वीडियो जरूर देखना चाहिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज का भी एक्सप्लेन किया, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज आप उन्हें भी जरूर देखें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफर का मजा लेना शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत पिछले एपिसोड के एंड से होती है, जिसमें नरेशन में इस बार इरेवान बताती है कि अराकिस प्लेनेट पर आंसुओं की कीमत भी काफी ज्यादा है और वहां पर स्पाइस भी मिलता है, जो कि उस दुनिया की सबसे बड़ा खजाना है, और उसी के चलते लोगों को धोखा भी मिलता है और खून भी किए जाते हैं। और फिर अराकिस प्लेनेट में हमें पॉल नजर आता है, जिसके सपने में बैरन रो रहा होता है और ये सपना बैरन भी देख रहा होता है। और वहाँ फैड आता है, जिसमें वो बताता है कि पॉल और जेसिका मारे गए हैं, जिसमें दोनों भवंडर में घुस गए हैं और वहाँ उन लोगों ने डॉक्टर काइनेस को पकड़ लिया है, जिसमें बैरन पूछता है कि उन्होंने पॉल और जेसिका की बॉडी देखी कि नहीं, जिसमें वो मना कर देता है, जिसमें बैरन बोलता है कि अगर बॉडी नहीं मिला तो वो उन पर भरोसा नहीं कर सकता। दूसरी तरफ रेगिस्तान में हमें प्लेन क्रैश होता हुआ दिखता है और वहाँ पॉल और जेसिका दिखते हैं, जो कि बच गए होते हैं। और वहाँ पॉल बताता है कि वो काफी टाइम से वहाँ है और जेसिका बेहोश थी और डॉक्टर ये ने उन्हें धोखा दिया था, जिसमें उसकी बीवी बैरन हार्कोनन के कब्जे में थी। और फिर वो ड्यूक की रिंग दिखाता है, जिसमें जेसिका उसे पहचान लेती है और वहाँ पॉल बोलता है कि उसे उसके काबिल बनना होगा। और फिर वो लोग वहां से निकल रहे होते हैं, जिसमें वो प्लेन में से सामान निकाल चुके होते हैं और अब वो फ्रीमैन के साथ मिलकर अराकिस प्लेनेट को वापस ले गए ये बोलते हैं। और फिर दोनों स्टील सूट पहनकर वहां से निकलते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, जिसमें उन्हें रास्ता नहीं पता होता। और वहां पॉल बताता है कि उसने पढ़ा था कि उत्तर की दिशा में फ्रीमैन मिल सकते हैं, जिसमें वो सूरज से दिशा की ओर जाता है और वहीं पर जेसिका को उल्टी होती है, तब पॉल उसे संभालता है। और फिर वो लोग आगे निकलते हैं और वो रेगिस्तान में काफी आगे की ओर जाते हैं। दूसरी तरफ एम्परर के पास राजकुमारी इरुवान आती है, जिसमें वो काफी गंदी राजनीति खेल रही है, ये चीज वो बताती है। और वहाँ एम्परर उसे बताता है कि अराकिस पर जो भी हुआ वो उसे नहीं समझेगा, जिसमें इरुवान बताती है कि उसने उसका फायदा उठाया जिसमें वो वहाँ पर गई थी, जिससे हाउस एटर्डिस को लगे कि वो उनके सपोर्ट में है और फिर उन्होंने उस पर हमला करवा दिया था, जिसमें उसे लगता है कि यह आइडिया सलाहकार का भी होगा। और वहाँ एम्परर बताता है कि ये काम बारोन ने किया है, उन्होंने नहीं। और वहाँ इरुवान बताती है कि बारोन के पीछे उन्हीं का हाथ है, ये चीज उसे पता है, जिसमें एम्परर भड़कता है और इरुवान को बताता है कि ये सब चीजें वो एक दिन जरूर समझ जाएगी, जब वो रानी बनेगी और सत्ता संभालेगी तब उसे समझ में आ जाएगा कि राजनीति क्या होती है। और फिर इरुवान वहां से निकलती है और अराकिस पर पॉल और जेसिका आगे जा रहे होते हैं और उन्हें पहाड़ी दिखती है और वो लोग वहां जाकर अंदर घुसते हैं, जिसमें वहां जेसिका आराम करती है और पॉल उस जगह को देखता है। दूसरी तरफ बारोन के सामने डॉक्टर काइनेस को लाया जाता है, जिसमें वो उस पर इल्जाम लगाता है और वहां काइनेस बताता है कि उन लोगों को उन्होंने बंदी बनाया था और एम्परर के चलते वो लोग उसे कुछ भी नहीं कर सकते। तब बारोन भड़क जाता है और वो बताता है कि वो कुछ भी कर सकता है और फिर वो अपने लोगों को काइनेस को लेकर जाने कहते हैं। और फिर बैरन फेड को उसे हंसते हुए चेहरे से मार देने कहते हैं और फेड वहां से निकलता है। दूसरी तरफ काफी सारे फ्रीमैन मुहादीप को याद कर रहे होते हैं और वो लोग नजर आते हैं और वो ड्यूक होता है। और फिर एक फ्रीमैन लड़की पॉल को उसके प्लेनेट पर पानी कैसा है इस बारे में पूछती है और उसे एक छोटी सी लड़की दिखती है और ये सारे विजन्स पॉल को आते हैं और वो उठता है जब उसके सामने एक चूहा होता है। और फिर पॉल जेसिका को पूछता है कि उसकी बहन कैसी है, जिसमें जेसिका चौंक जाती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, ये चीज़ उसने किसी को भी नहीं बताई होती। और पॉल बताता है कि उसने ये अपने विजन्स में देखा था और जेसिका बताती है कि ये चीज़ किसी को भी वो नहीं बता सकती थी। और वहाँ पॉल को लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा अजीब है, जिसमें कुछ ना कुछ राज जेसिका ने उससे छुपाया है, जिसमें ये जगह उसे बदल रही है। और जेसिका बताती है कि वो नॉर्मल है, जिसमें पॉल बताता है कि यहाँ के स्पाइस के चलते वो बदल रहा है। कुछ देर के बाद दोनों वहाँ से आगे बढ़ते हैं और वहाँ पॉल बताता है कि उन लोगों को थोड़ा ही आगे जाना है। और फिर दोनों आगे जाते हुए दिखते हैं, जिसमें वो लोग कई दिनों तक चलकर सफर तय करते हैं और वहीं पर जेसिका और पॉल गिर पड़ते हैं। और पॉल समझ जाता है कि इस आवाज से वहाँ सैंडवॉर्म आ सकता है और वहाँ ऊपर जाकर वो अपना बैग लेते हैं और वहीं पर उन्हें सैंडवॉर्म आ की आवाज आती है। तब दोनों वहां से भागते हैं और वहीं पर सैंडवॉर्म उनकी ओर आता है और दोनों जाकर पहाड़ी में छुप जाते हैं, जिसमें वहां सैंडवॉर्म नहीं घुस सकता और वो वहां से निकल जाता है। और वहां जेसिका और पॉल शांत होते हैं और पॉल बताता है कि किसी
ने सैंडवर्म को दूसरी ओर बुलाया होगा, वरना वो यहाँ से नहीं जाता। और वहाँ जेसिका पॉल को सीढ़ियाँ दिखाती है और वहाँ वो लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें वहाँ उन्हें पेड़ दिखते हैं और वो लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर इंसान जीने के लिए उसे उगाते हैं और ये काम सिर्फ फ्रीमैन लोग कर सकते हैं। और वहीं पर सब फ्रीमैन उन्हें घेर लेते हैं और वहाँ वो लोग उन्हें देखते हैं और वहाँ उन्हें स्टिलकार दिखता है, जिसमें पॉल बताता है कि वो लोग मिले थे। और स्टिलकार बोलता है कि उसने उसे देखा था कि उसके पीछे सैंडवर्म था, जिसमें पॉल बोलता है कि उन्हें उनकी मदद चाहिए, जिसमें वहाँ स्टिलकार बताता है कि उसके लोग उन्हें पसंद नहीं करते और कोई भी बाहर का है ये उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए वो लोग अब उन्हें मारकर उनकी बॉडी से पानी ले लेंगे। और वहाँ पॉल ऊपर की ओर भागता है और जेसिका अपनी लड़ाई की स्किल्स दिखाकर स्टिलगार को पकड़ लेती है और पॉल एक जेमिस नाम के फ्रीमैन को मारकर भाग जाता है। और वहाँ जेसिका हैवी वॉइस में उन लोगों को छोड़ देने कहती है, जिसमें स्टिलगार सबको रोकता है और वहाँ कोई उसकी बात नहीं मानता। तब स्टिलगार बोलता है कि वो उन लोगों को अपनी टीम में ले रहा है और फिर वो जेसिका को बताता है कि वो लोग अब उसे कुछ नहीं करेंगे। और फिर जेसिका उसे छोड़ देती है और वहाँ स्टिलगार उसे उसकी ट्रिक्स सिखाने कहता है, जिसमें जेसिका हाँ बोलती है। और ऊपर पॉल छुपा हुआ होता है, वहाँ उसके सामने सपने में आने वाली लड़की यानी कि फ्रीमैन चानी सामने आती है और वहाँ पॉल उसे पहचान लेता है। और फिर दोनों नीचे आते हैं, जिसमें उसे बहुत कुछ सीखना है ये चानी बताती है। और वहाँ जेमिस भटका हुआ होता है, जिसे स्टिलगार शांत करता है और वो वहाँ बताता है कि वो लोग उन्हें ट्रेन करेंगे और अब वो लोग वहाँ से निकल रहे हैं। और स्टिलगार चानी को पॉल का ध्यान रखने कहता है और फिर वो लोग वहाँ से निकलते हैं, जिसमें वो लोग रेगिस्तान में आगे बढ़ रहे होते हैं और वो लोग एक अलग ही तरह के स्टाइल से चलते हैं, जिससे वहाँ पर सैंडवर्म उनके पीछे ना आ जाए। और वो लोग कई दिनों तक चलते जाते हैं और वहाँ से स्टिलगार पॉल को स्टिच टेबल दिखाता है, जो कि सभी फ्रीमैन का घर होता है ये वो बताता है। और वहाँ उन्हें पहुँचना होता है, जिसमें जेसिका बताती है कि वो जगह काफ़ी दूर है और वो लोग वहाँ पर एक जगह पर रात गुजारने वाले होते हैं। और फिर उस जगह पर वो लोग कुछ चमकने वाले पत्थरों से उजाला करते हैं और फिर वो सभी लोग अपने स्टूल सूट को पानी भरने के लिए उतारते हैं और वहाँ वो लोग स्पाइस से बना हुआ खाना खाते हैं। और पॉल उन लोगों को अभी भी समझ रहा होता है और फिर वो चानी को देखता है और उसे देखकर जेसिका समझ जाती है कि चानी वही लड़की है जो उसके सपनों में आया करती थी। और पॉल समझ जाता है कि उसने उसके सपने में जो भी खतरे देखे थे वो सच थे, जिसमें जेसिका बताती है कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा धार्मिक है, जिसमें वो लोग इस जगह पर काफ़ी वक्त से जिंदा है, इसलिए वो लोग लेजेंड है। और फिर हमें रेगिस्तान में डॉक्टर काइनेस घूमता हुआ नजर आता है, जिसमें वो कमज़ोर हो चुका होता है और वो चिल्लाता है कि वो जिंदा है और फिर वो गिर पड़ता है और वहीं पर धरती हिलने लगती है और वहाँ एक ब्लास्ट होता है और उसका असर फ्रीमैन के रहने वाली जगह पर भी पड़ता है, जिसमें जेसिका और पॉल डरते हैं लेकिन बाकी लोग शांत होते हैं क्योंकि उनके साथ ये रोज होता है। और बाहर पॉल आता है, जिसमें वहाँ स्टिलगार को उस जगह के बारे में बता रहा होता है और वहाँ वो रेत में कभी कभी ऐसे सैंड ब्लो होते हैं ये बताता है। और फिर चानी पॉल को बताती है कि वो धीरे धीरे सब चीज़ें समझ जाएगा। और फिर दोनों अंदर आते हैं और वहाँ जेमिस पॉल को चुनौती देता है क्योंकि उसने उसे मारा था। और वहाँ स्टिलगार उसे रोकता है, जिसमें वो बताता है कि अब वो लोग उनमें से एक है और वो उसे चुनौती दे सकते हैं, जिसमें जेसिका जेमिस को अपनी बड़ी आवाज में परेशान करती है। और वहाँ स्टिलगार बताता है कि ये चीज वो नहीं चला लेगा, जिसमें अगर उसने कुछ भी किया तो वो उनके नियमों के खिलाफ होगा। और वहाँ चानी उसे समझाती है कि अब पॉल को जेमिस से लड़ना होगा और ये लड़ाई मौत पर ही खत्म होगी। और फिर दोनों अपने हथियार लेकर एक जगह पर आते हैं, जिसमें स्टिलगार पॉल को फ्रीमैन का हथियार देता है और फिर दोनों लड़ते हैं, जिसमें जेमिस काफी तेज होता है लेकिन पॉल उसे रोककर मारता है और वो उसे धो देता है। और वहाँ पॉल जेमिस को मारने वाला होता है लेकिन वो उसे हार मारने कहता है। और वहाँ स्टिलगार बताता है कि उसे उसे मार देना होगा। और वहाँ जेसिका डर जाती है क्योंकि पॉल ने कभी भी किसी को मारा नहीं होता। और फिर वहाँ पॉल जेमिस को घाव देता है और वो अंत में उसे मार देता है। और फिर कुछ फ्रीमैन जेमिस को वहाँ से लेकर निकलते हैं और इस हादसे के चलते जेसिका रोती है। और वहाँ स्टिलगार आता है और वो बताता है कि ये सब उन्हीं लोगों के नियम है, जिसमें जेसिका को वो पसंद नहीं होते। और वहाँ स्टिलगार बताता है कि किसी को भी लीडरशिप पाने के लिए सामने वाले को ऐसे ही मारना पड़ता है। और वो भविष्यवाणी बताता है, जिसमें दूर किसी प्लेनेट से उनके प्लेनेट पर एक लड़का आएगा जो कि उनका मसीहा होगा और वो आयरक इसको बदल देगा और वो एक विच का बेटा होगा। और स्टिलगार को लगता है कि वो पॉल ही है, जिसमें अगर वो वही हुआ तो एक ना एक दिन उसे स्टिलगार को ही मार कर वहाँ के लोगों का लीडर बनना होगा। और वहाँ चानी दोनों को बुलाती है और जेमिस को एक जगह पर रखा जाता है और वहाँ सब उसकी अंतिम क्रिया करते हैं और उसके शरीर से पानी निकालते हैं। और ये चीज़ पॉल और जेसिका दिखते हैं और वहाँ पर पॉल रोता है,
कुछ देर के बाद जेमिस की बॉडी से निकला हुआ पानी स्टिलगार पॉल को देता है क्योंकि उसी ने उसे हराया था, और वहाँ स्टिलगार उसे अब नया नाम चूज करने कहता है, जिसमें पॉल बताता है कि रेगिस्तान में एक चूहा उसने रात को देखा था जो कि दिन में अंदर होता है और रात को वो बाहर आता है और उसे क्या कहा जाता है, जिसमें स्टिलगार बताता है कि उसे मोहादीप कहा जाता है और वो नाम पॉल खुद के लिए पसंद करता है जो कि सबको पसंद आता है, और अब सब पॉल को मोहादीप बुलाएगी ये वो बोलते हैं, और फिर रात को वो लोग आगे बढ़ने वाले होते हैं जिसमें वो लोग सैंडवॉर्म का इंतजार करते हैं, और वहीं पर स्टिलगार एक सैंडवॉर्म को लेकर आता है और वहां सब तैयार होते हैं, और फिर वो लोग सैंडवॉर्म को पकड़कर उसके ऊपर चढ़ते हैं और फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं और स्ट्रीच टेबल की ओर जाते हैं। कुछ देर के बाद वो लोग उस जगह पर पहुंचते हैं जिसमें वो जगह एक गाँव जैसी होती है और वहाँ काफी सारे फ्रीमैन होते हैं और सब अपना अपना काम करते हैं, जिसमें सब लोग पॉल को देख रहे होते हैं, और वहाँ एक मूर्ति होती है जो कि मसीहा की होती है, ये चानी बताती है, और पॉल देखता है कि चानी थोड़ी सी दुखी है और वो वहाँ से निकल गई, जिसमें उसके साथ क्या हुआ ये पॉल पूछता है, और वहीं पर स्टिलगार बताता है कि चानी के पिता डॉक्टर काइनेस मर गए हैं, और ये चीज़ पॉल और जेसिका को भी नहीं पता होता कि डॉक्टर काइनेस उसके पिता है। कुछ देर के बाद पॉल चानी के पास आता है जिसमें वो दुखी होती है, और वो पॉल को उसके प्लैनेट के बारे में पूछती है, जिसमें वो बताता है कि उसका प्लैनेट समुद्र से भरा हुआ है, जिसमें एक किनारे पर उसका घर है, और वहाँ चानी बताती है कि उसके पिता डॉक्टर काइनेस चाहते थे कि वो इस जगह को भी बदल दें, और वो फ्रीमैन के राजा जैसे थे, और फिर वो उसे बाहर एक जगह पर लेकर जाती है जहाँ का वातावरण उस जगह से काफ़ी अलग होता है, और फिर चानी पॉल को एक जगह पर तालाब दिखाती है और वो बताती है कि उन्हें ऐसे हजारों तालाब पता है, और वहाँ पॉल बताता है कि उसने इस जगह को सपने में देखी है, और चानी बोलती है कि डॉक्टर काइनेस इससे अरेकिस प्लैनेट को बदलना चाहते थे जिससे सब लोगों को पानी यहाँ से मिलता रहे, और फिर पॉल को पानी में वो लोग नजर आते हैं जो कि मसीहा का इंतजार कर रहे होते हैं, और वो लोग अब महादीप बोलने लगे होते हैं। दूसरी तरफ फिरवान के पास एक नौकरानी आती है जिसमें वो उसे गिल्डे प्राइम प्लैनेट पर जाकर बैरन के परिवार के फेड से किस प्लेनेट पर चल रही राजनीति की जानकारी निकालने कहती है, जिसमें वो नौकरानी हाँ बोलती है और वो वहाँ से निकलती है, और एरेकिस पर एक प्लेन नजर आता है और वहाँ पर स्टिलगार और पॉल उस पर नजर रखे होते हैं। उसमें से कुछ लोग स्पाइस लेने निकलते हैं और वहीं पर फ्रीमैन उन पर हमला करते हैं और उन लोगों को मार देते हैं, और ऐसे ही वो लोग उन्हें रोकते हैं ये स्टिलगार बताता है, और ऐसे कई महीनों तक वो लोग हार्कोनन के लोगों को रोक रहे होते हैं, जिसमें पॉल काफ़ी सारी नई नई चीज़ें सीखता है, और ये जानकारी बबन को मिलती है जिसमें वो भटका हुआ होता है, और उसके सामने कुछ फ्रीमैन को लाया जाता है, और ये कौन कर रहा है ये चीज़ वो पूछता है, साथ ही वो आसपास के फ्रीमैन लोगों को भी गालियाँ देता है और उन्हें मारता है, और वो उन्हें काटने वाला होता है, और वहाँ सब लोग डरे हुए होते हैं, जिसमें वो लोग अपने मसीहा को याद करते हैं और फ्रीमैन मारे जाते हैं, और ये चीज़ गिल्डे पैम प्लैनेट पर बैरन भी देख रहा होता है, जिसमें वहाँ फेड इरिवान की भेजी गई खबरी के साथ आता है, उस लड़की ने फेड को अपने काबू में ले लिया होता है, और बैरन के कहने पर वो वहाँ से जाती है, और वहाँ फेड अपने भाई बब्बन के कारनामे देखते हैं जिसमें बैरन बताता है कि वो बेवकूफ है, ऐसे ही सबको मारता रहा तो वो अकेला ही वहाँ पर राज करने के लिए रहेगा, और वो फेड को बोलता है कि अब उसे वहाँ पर जाना होगा, और सबको लगेगा कि वो बब्बन से उन्हें बचाएगा, साथ ही वो बब्बन को चाहे तो मार भी सकता है, और अब एरेकिस को बहुत ही जल्दी उसे संभालना होगा ये बैरन बताता है, और एरेकिस पर सब लोग अपने मसीहा को याद कर रहे होते हैं, और वहाँ स्टिलगार आगे आता है और बताता है कि लीडर बनने के लिए उसे हराना होगा, और वहाँ सब लोग पॉल को बुलाते हैं, असल में ये चीज़ वो अपने सपने में देख रहा होता है, और ये वो स्टिलगार को बताता है, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज होता है क्योंकि आगे कौन से रास्ते उसे चूज करने होंगे ये उसे पता नहीं होता, और वहाँ स्टिलगार बताता है कि उसे बिना डरे सब चीज़ें करनी चाहिए, और फिर एक जगह पर लड़ाई में हार्कोनन के लोग मारते हुए दिखते हैं, और वहाँ के सैनिक काफ़ी ज़्यादा भयंकर लड़ाई फ्रीमैन लोगों के साथ करते हैं, और वहाँ पॉल आगे आता है और वो एक सैनिक को काट देता है, और वहाँ स्टिलगार उसे लेकर निकलते हैं, और फिर एम्परर के प्लैनेट पर हेलेन से मिलने गिल्डे नेविगेटर का आदमी आया होता है, जिसमें उसके आने का कारण हेलेन को नहीं पता होता, और वहाँ से बाकी विचेस चली जाती है, और वहाँ वो आदमी बताता है कि एरेक्रिस पर गलत चीज़ें चल रही है, और ये नेविगेटर ने बताया है उसके बारे में हेलेन को ज़रूर पता होगा ये उनका मानना होता है, जिसमें वो घटनाएँ काफ़ी ज़्यादा बदलाव ला सकती है, और वहाँ हेलेन इस बारे में पूछती है, जिसमें हार्कोनन परिवार उसे संभाल रहा होता है ये चीज़ वो बताती है, जिसमें वो आदमी बताता है कि वहाँ काफ़ी गड़बड़ चल रही है और ये चीज़ किसी को भी नहीं पता, जिसमें हेलेन बोलती है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, और फिर दोनों वहाँ से निकलते हैं, जिसमें वो बताती है कि उसे कुछ याद आ रहा है, जिसमें वो सब चीज़ें संभालने का ट्राई करेगी, और ये सारी बातें इरेवान भी सुन लेती हैं, और फिर एरेकिस प्लैनेट पर जेसिका योगा कर रही होती है, और वहाँ चानी उसके पास आती है और वो उसके लिए खाना लाई होती है, और वहाँ बहुत जल्द पॉल रेड करके आएगा ये वो
बताती हैं, और वहाँ जाने को पॉल और जेसिका की स्किन पसंद होती है ये वो बताती है, और फिर वो उसके लिए प्रार्थना करेगी ये बोलकर वहाँ से निकलती है। और रेगिस्तान में स्टिलगर नई जगह पर रेड करने का सोच रहा होता है जिसमें वो जगह खतरनाक है ये वो पॉल को बताता है, और पॉल उस जगह के लोगों को देखता है जिसमें वहाँ पर उसे गुड़ने नजर आता है। तब वो बोलता है कि वो लोग वहाँ पर हमला नहीं करेंगे, जिसमें वो वहाँ के लोगों को जानता है और वो लोग कुछ स्पाइस को जमा कर रहे होते हैं और वो लोग हरकनॉन के नहीं है ये पॉल बताता है, और स्टिलगर उसकी बात मान लेता है। और फिर इरेवन अपनी दासी से एरेकिस पर चल रही गलत चीज़ों के बारे में बात करती है जिसमें वो इन चीज़ों के खिलाफ होती है, और वो अब हरकनॉन प्लेनेट पर जाना चाहती है ये वो बताती है, जिसमें फेट का बर्थडे होता है लेकिन एम्परर उसे वहाँ पर नहीं भेजेगा ये वो बताता है, जिसमें हरकनॉन हाउसेस के लोग घटिया होते हैं ये उसका मानना होता है, लेकिन उसका सलाहकार बताता है कि इरेवन काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है और वो वहाँ जाकर उनके बारे में और भी चीज़ें पता लगा सकती है जिसमें उनका ही फायदा है। और फिर एम्परर उसके बाद समझ कर मान लेता है, और एरेकिस पर पॉल नजर आता है जिसमें वो बताता है कि उसे सपने आते हैं जिसमें सब लोग उसे मसीहा समझकर याद कर रहे होते हैं, जिसमें वो अब सबको दिखाई हुई चीजें बताएगा और वो भविष्य देख सकता है ये बताता है, और वो डॉक्टर काइनेस की आखिरी ख्वाहिश यानी कि एरेकिस प्लेनेट को आजाद कर रहेगा ये बताता है, जिसमें उसकी बातें कोई कोई लोगों को पसंद नहीं होती, और वहाँ पॉल बताता है कि वो 100 जन को लेकर उन्हें ट्रेनिंग देगा और फिर वो 100 लोग और दूसरे लोगों को सिखाएंगे और ऐसे ही सब सैनिक तैयार हो जाएंगे जिसमें वो अपनी सेना से एरेकिस प्लेनेट को जीत लेगा और वहाँ की बड़ी लड़ाई में एम्परर को भी वो ऐसे हरा सकते हैं। और उसकी बातें स्टिलगार को भी पसंद आती है, और वहाँ पॉल अंत में बताता है कि उसके पिता ड्यूक ने कहा था कि एरेकिस पर सबसे बड़ी ताकत रेगिस्तान की ताकत है, और उसका मतलब यही था कि वो फ्रीमैन सैनिक है और उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता ये वो बताता है। और फिर हमें स्टिच टेबल नजर आता है जिसमें वहाँ सब लोग इकट्ठे होते हैं और वहाँ उनकी सबसे बड़ी विच मदर यानी कि मदर मैरी आई होती है, जो कि जाकर जेसिका से मिलती है और वो बताती है कि वो अब उसकी जगह लेने वाली है, जिसमें वो जेसिका की खूबसूरती की तारीफ करती है। और फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं और वहाँ मैरी जेसिका से बात करती है और वो बताती है कि वो उसके बेटे के बारे में जानती है, जिसमें वही मसीहा है और वही मुहादिब है, जिसमें जेसिका बताती है कि वो उसके पिता की तरह ही एक काफ़ी अच्छा लीडर है। और वहाँ मैरी बताती है कि काफ़ी बड़ी मुसीबत आ रही है जिससे उसे खतरा है, और उसे पता चलता है कि उसके साथ क्या चल रहा है, जिसमें जेसिका मना कर देती है और वो बताती है कि वो बच जाएगा और सारी चीज़ें जेसिका को पता होती हैं और पॉल के होने के बारे में उसने उससे छुपाया होता है। और फिर स्टिच टेबल पर चानी खाना खा तैयार कर रही होती है और वहाँ स्टिलगर और पॉल अपने आर्मी के साथ आते हैं, जिसमें पॉल चानी को देखता है और ऊपर से मदर मेरी उसे देखती है, और फिर पॉल जाकर जेसिका से मिलता है जिसमें वो उसे तबीयत के बारे में पूछता है, जिसमें वो ठीक है वो बताती है, और फिर पॉल मेरी वहाँ पर क्या कर रही है ये पूछता है, जिसमें जेसिका बताती है कि वो उसकी जगह लेने वाली है, जिसमें उसे उसके बारे में सब पता होता है। और वहाँ पॉल को ये चीज़ अजीब लगती है, और वहाँ जेसिका बताती है कि चानी और उसके बीच में क्या चल रहा है, और वहाँ पॉल पूछता है कि तुमने उसके पिता से शादी क्यों नहीं की, और वहाँ जेसिका बताती है कि वो उससे प्यार करती थी और इसलिए जब तक वो उससे शादी नहीं करेगी तब तक बड़े राजा वो सिंगल है ऐसा मानते थे, और इसलिए जल्दी से कोई उनसे दुश्मनी नहीं करता था और इसी वजह से उन्होंने उससे शादी नहीं की थी। और वहाँ पॉल को ये चीज़ पॉलिटिक्स लगती है, और फिर पॉल वहाँ के लोगों को देखता है और फिर वो चानी से मिलता है और अपने सपनों के बारे में बताता है, और वहाँ जाने भी थी ये वो बताता है, जिसमें उनके बच्चों को भी उसने देखा होता है और वो उससे प्यार करता है ये बोलता है, जिसमें चानी भी उसे पसंद करती है ये बोलती है। कुछ देर के बाद जेसिका चानी और पॉल को वहाँ से रेगिस्तान की ओर जाते हुए देखती है, जिसमें पॉल को वहाँ की चीजें के बारे में वो समझाती है और रेगिस्तान में हर चीज कनेक्टेड होती है, जिसमें उसे उस जगह को समझने के लिए वहाँ की रेत को समझना होगा ये वो बताती है, और उस जगह को किसी एक आदमी ने बनाकर छोड़ दिया था ये वो बताती है, और पॉल समझ रहा होता है और वो समझ जाता है कि एरेकिस पर स्प्लाइस की शक्तियाँ कैसी होती हैं और वहाँ बड़ी बड़ी सैंडवर्म क्यों है ये भी वो समझता है, जिसमें वो लोग रेत खाते और स्पाइस निकालते हैं और इसी वजह से सिर्फ यहीं पर सैंडवर्म और स्पाइस दोनों मिलते हैं, क्योंकि सैंडवर्म के चलते ही स्पाइस बनती है, जिसमें सैंडवर्म को कंट्रोल किया तो स्पाइस को भी कंट्रोल किया जा सकता है ये चानी बताती है। और फिर चानी तंबू में जाती है और वहाँ पॉल और वो करीब आते हैं, और रात को पॉल उठता है जिसमें वो उसे मदर मैरी दिखती है और वो बताती है कि पॉल ही कैविसेट्स हेडर्च है और वो एक साथ काफ़ी सारी जगह पर होगा, और वहाँ चानी उसे देखती है और वो समझ जाती है कि उसे फिर से सपना आया है, और फिर वो उसे संभालती है। अगले दिन जेसिका और पॉल सैनिकों को ट्रेन कर रहे होते हैं, जिसमें पॉल काफ़ी तेज़ी से जगह बदलता है और वो ये चीज़ सबको सिखा रहा होता है, और वहाँ उसे ओथेम नाम का एक लीडर मिलता है और वो स्टिलगर को बताता है कि वो लोग उनके साथ लड़ना चाहते हैं क्योंकि मुहादिब के बारे में उन्हें काफ़ी ज़्यादा सुना होता है, और वो लोग भी फ्रीमैन के एक अलग ग्रुप से होते हैं, जिसमें वहाँ पॉल और स्टिलगर उसकी बात मानते हैं और पॉल उससे मिलता है।
जिसमें ओथिम और उसके लोग अब साथ है ये वो बताता है। दूसरी तरफ गिडे प्राइम प्लेनेट पर फेड लोगों से लड़ रहा होता है, जिसमें वो डेली 100 लोगों को हराकर उन्हें मार देता है, और ये चीज़ इरेवान और को बारोन बताता है, जिसमें इरेवान को वो पसंद आता है, और वहाँ फेड उसे देखता है और वहाँ इरेवान की जासूस भी नजर आती है। और फिर वहाँ से निकल कर बारोन अपने साथी को बताता है कि एम्परर ने ड्यूक को किसी दूसरे हाउस की मदद लिए बिना ही उनके हाथों से मारवा दिया, जिसमें वो खुद के हाथ को गंदे नहीं करना चाहता था। और वहाँ उसका सलाहकार बताता है कि उसका कारण स्पाइस है, क्योंकि उसे उसका कंट्रोल चाहिए। दूसरी तरफ एरिक इस प्लेनेट पर स्टिलगार बताता है कि हार्कोनन का कब्जा स्पाइस से कम हो रहा है, जिसमें बहुत ही जल्दी ये चीज गाइड नेविगेटर को पता चलेगी और उन्हें लड़ने तैयार होना चाहिए। और वहाँ मदर मेरी और जेसिका भी होते हैं और वो लोग इसका मतलब समझ जाते हैं, जिसमें स्टिलगार बताता है कि अब हाउस का हार्कोनन बहुत ही जल्दी उन लोगों की रहने की जगह को ढूंढ लेंगे और वो उन्हें जो भी करना है जल्द से जल्द करना होगा। और वहाँ जेसिका को मेरी बताती है कि अब वक्त आ गया है। और फिर स्टिच टेबल में एक जगह पर दो सैनिक आते हैं और वहाँ एक जगह में रेत में एक कीड़ा होता है, जिसमें दोनों सैनिक रेत में पानी डालते हैं और वहाँ पानी भरने के बाद कीड़ा पानी में आता है और ऊपर से सब लोग ये चीज़ देख रहे होते हैं, जिसमें सैनिक नीचे जाकर कीड़े को पकड़ते हैं और उसके मुंह में से पानी निकालते हैं, और वो पानी असल में वाटर ऑफ लाइफ होता है, जिसे पीने से शक्तियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और उसी से मदर मेरी अपनी शक्तियाँ जेसिका को देने वाली होती है। और फिर वो जेसिका को तैयार होने कहती है और फिर सभी लोग उन्हें देख रहे होते हैं और वहाँ वो लोग आगे बढ़ते हैं और वहाँ रस्म की तैयारी की जाती है। और वहाँ मदर मेरी इस रस्म के बाद जिंदा नहीं रहेगी, ये स्टिलगार बताता है, और उनकी जगह अब जेसिका लेगी, ये भी वो बताता है। और अगर जेसिका इस शक्ति को संभाल नहीं पाएगी तो फिर वो लोग चाने की बात मानेंगे, क्योंकि वो डॉक्टर काइनेस की बेटी है, और वहाँ मैरी उनकी बात मानती है। दूसरी तरफ गैडे प्राइम पर त्योहार चल रहा होता है, जिसमें इरेवान आगे जाती है और वहाँ पर लड़कियाँ फेड को नहला रही होती है, और वहाँ इरेवान आके आने पर सब लड़कियाँ वहाँ से चली जाती है और वहाँ इरेवान फेड को नहलाती है, जिसमें फेड उसे पसंद करने लगता है। और एरिक इस प्लेनेट पर जेसिका को चानी बताती है कि उसे वाटर ऑफ लाइफ को लेने के साथ दुनिया की सबसे ताकतवर शक्तियाँ मिलेगी, जिसमें वो एक अलग ही दुनिया में चली जाएगी। और फिर वो जेसिका को पिलाती है और ये चीज़ सभी लोग देख रहे होते हैं, और वहाँ जेसिका वाटर ऑफ लाइफ है और उसे अजीब लगता है और उसे तकलीफ होती है, और फिर उसे और अजीब लगता है, जिसमें उसे एक अलग ही रोशनी दिखाई देती है और वो उस जगह पर जाती है। तब वहां पर मैरी उसे रोकती है और वो बताती है कि वहां पर सिर्फ कैविजेट हैड्रेज जा सकता है और बाकी कोई वहां पर जाने का सोचकर ही पागल हो सकता है। और फिर वो अपनी सारी यादें उसे देती है, जिसमें उसे पता चलता है कि जेसिका प्रेग्नेंट है। तब वो भड़क जाती है, क्योंकि जेसिका ने ये चीज छुपाई होती है, और वो बताती है कि अब उसकी शक्तियां आधी उसे और आधी उसकी बेटी को मिलेगी और अब उन दोनों पर असर पड़ेगा, जिसमें उस पर खतरा भी हो सकता है। और वहां जेसिका शक्तियां संभालने का ट्राई करती है और काफी जोर से चिल्लाती है। दूसरी तरफ गिडे प्राइम प्लेनेट पर फेड अपनी सारी जानकारी इरेवान को दे चुका होता है और वहाँ उसे बैरन का प्लान पसंद आया ये वो बताती है, और वहाँ उन्होंने कैसे ड्यूक को एरेकिस पर भेजकर मरवा दिया ये वो बताती है, जिसमें उन्होंने उसे बलि चढ़ा दिया। और वहाँ सब चीज़ें अब हार्कोनन परिवार के हाथ में है और इनके पीछे एम्परर का ही सपोर्ट है ये वो बताता है, और इरेवान इन चीज़ों से भड़की हुई दिखती है। और एरेकिस पर जेसिका के पेट में वाटर ऑफ लाइफ वो कंट्रोल कर रही होती है, जिसमें वो पूरी तरह से शक्तियाँ नहीं ले पाई होती, और वहाँ मदर मेरी मर चुकी होती है। और अब जेसिका उन सभी की माँ है ही स्टिलगार बताता है, जिसमें सब उसके सामने झुकते हैं और पॉल जेसिका को संभालता है और सब लोग खुश होते हैं। और गिल्डे पैम प्लेनेट पर फेड से इरेवान जेसिका और पॉल के बारे में पूछती है, जिसमें वो बताता है कि उन्होंने उन लोगों को रेगिस्तान में छोड़ दिया था, जिसमें उनकी बॉडी नहीं मिली थी, और उन्हें लगता है कि वो लोग मर गए। और इरेवान को लगता है कि शायद पॉल जिंदा हो सकता है, और वहाँ वो अपनी जासूसों को बुलाकर फेड के साथ उसे छोड़कर निकल जाती है, और फिर वो गिल्डे प्राइम प्लेनेट से निकल जाती है। दूसरी तरफ एरिक इस प्लेनेट पर सब लोग जश्न मना रहे होते हैं और वहाँ पॉल चानी को बताता है कि वो डरा हुआ है, और वहाँ चानी बताती है कि अब उसे भविष्य दिखता है, जिसमें वो दोनों साथ थे और वो प्रेग्नेंट थे, और पॉल बताता है कि वो उसके साथ हमेशा रहेगा और दोनों मिलकर इस जगह को पूरी तरह से अंधेरे से दूर लेकर जाएंगे। और फिर दोनों साथ में बूढ़े हो गए और फिर दोनों किस करते हैं, और वहाँ पॉल खुद को इस बार सभी लोगों के बीच में पाता है, जिसमें सब लोग गायब हो जाते हैं और वो सब मरे हुए देखते हैं, जिसमें पॉल की वजह से वो मरे हुए ऐसा उसे सपना आता है और वो उठ जाता है। और फिर इरेवान की भविष्यवाणी सुनाई देती है, जिसमें फ्रीमैन को उनका लीडर मसीहा मिलने वाला होता है और पॉल को उसका बदला चाहिए होता है, जिसमें इन दोनों के चलते कैसे एरिक इस प्लेनेट पूरी तरह से बदल जाएगा ये हमें आगे देखने मिलेगा। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है और इसी के साथ हमारा वीडियो भी खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, एम करते 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी और सीरीज के भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिल जाए।
जाएगी, तो प्लीज आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी और सीरीज का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद है तो प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।